नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है और यही वजह है कि कई राज्यों में सिर्फ मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ जाती है और जीत जाती है। बिहार इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हारते हारते कैसे बाजी पलटी और एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। आप ये देख लीजिए, हर एक तबका प्रधानमंत्री मोदी का फैन है, फिर चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप थोड़े से हैरान होंगे और फिर इस पूरी खबर की तारीफ भी करेंगे। दरअसल मैनपुरी से एक खबर निकलकर सामने आई है। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं जिनका नाम बिट्टन देवी बताया जा रहा है। इन्होंने अपनी सारी जितनी भी इनके पास जमीन है उसको प्रधानमंत्री मोदी के नाम करने का फैसला लिया है। दरअसल जो बिट्टन देवी है इनका ये कहना है कि इनके तीन बेटे हैं और तीन बहुएं हैं और वो जो इनके सारे बच्चे हैं वो इनको पूछते नहीं हैं, इनको खाना पीना नहीं देते हैं और इनका जो गुजारा चल रहा है वो जो प्रधानमंत्री मोदी की कुछ नीतियां हैं, कुछ योजनाएं उन्होंने अपने सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान लेकर वो आए हैं उनसे इनका गुजारा भत्ता चल रहा है। मसलन राशन हो गया या फिर किसानों को जो हर महीने की एक रकम आती है वो इनके खाते में जा रही है। इसके अलावा पेंशन जो मोदी सरकार की तरफ से दी जाती है बुजुर्गों को, तो ये जो योजनाएं हैं इनका फायदा इन बुजुर्ग महिलाओं को मिल रहा है। और इनका ये कहना है कि मोदी की वजह से ही मैं आज जिंदा हूं, मोदी की जैसे ही मैं सरवाइव कर रही हूं, क्योंकि बहुत साल पहले इनके पति की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही इनके बच्चों ने इनको पूछना बंद कर दिया था। यही वजह है कि 80 साल की बिट्टन देवी ने यह फैसला कर लिया है कि इनके पास जो 12-13 बीघे जमीन है उसको ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम करेंगी। जो वकील है वो इनको समझा रहे हैं और जो इनके बच्चे हैं वो भी इनको अब समझाने बुझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप ये मत कीजिए, हम आपको अपने साथ रखेंगे और तमाम तरह के इनको लोभ लालच दे रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल अड़िग है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम ही मेरी जमीन अब जाएगी। बता दें आपको, मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के चितायन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये जो बिट्टा देवी है ये कह रही है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए जमीन तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम ही जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मोदी लहर, आप इसे कहिए, मोदी की फैन फॉलोइंग कहिए, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो ऑरा है या फिर उनकी जो नीतियां हैं वो किस तरह से लोगों के साथ जुड़ रही हैं, वो किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग। और यही वजह है कि इस तरह के मामले निकलकर भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये जो फैसला बिट्टन देवी की तरफ से लिया गया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।